भाई ग्रैंड मास्टर कैसे जाए, हर बच्चे बच्चे के जवान पे यही है कि ग्रैंड मास्टर कैसे जाए। तो भाई ग्रैंड मास्टर जाना बहुत ही मुश्किल है, इतनी औकात तो मेरी भी नहीं, इतने ज़्यादा नहीं खेलता मैं कि ग्रैंड मास्टर पहुँच जाऊँ, लेकिन हीरोइक पहुँच सकते हैं। और मैं इसके एकदम सिंपल ट्रिक्स आपको बता सकता हूँ कि कैसे पहुँचे, और फटीचर मोबाइल में भी आप हीरोइक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले भाई आप मेरी आईडी को देख लीजिए कि मैं हीरोइक पहुँचाऊँ कि नहीं, क्योंकि इसलिए मैं हीरोइक छुआ हूँ कि भाई आपको दिखा सकूँ और बता सकूँ कि भाई आप हीरोइक कैसे पहुँचोगे एकदम सिंपल तरीके से। तो भाई हीरोइक पहुंचने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बिना रूल्स फॉलो आप कैसे हीरोइक पहुंचेंगे। कि जैसे कि करेक्टर का स्किल, आपको सेटिंग कौन कौन सी रखनी है, सेटिंग पे क्या क्या रखना है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। मेन रीज़न भाई यही होता है, भाई अपने भाई लोग भाई सही से ये सब रखते ही नहीं है, सेटिंग ऑन करते ही नहीं है, तो इसलिए भाई हीरोइक जाने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन भाई जो बंदा पहली बार हीरोइक जाता है ना, उसकी खुशी अलग ही होती है। और ये भाई मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, इससे आपका केडीबी मेंटेन रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैरेक्टर स्किल रखे कौन सा। तो भाई मैंने कैरेक्टर स्किल रखा है हायाटो, केली और अपना जोटा और डीजे आलोक। तो भाई कई जन के पास डीजे आलोक नहीं होगा, तो डीजे आलोक की जगह आप अपने मनपसंद, आपको जो भी मतलब अच्छा लगे आपके हिसाब से आप रख सकते, लेकिन आपको केली और जोटा रखना ही है। भाई अभी भाई फ्री फायर अपने थर्ड एनिवर्सरी में जोटा फ्री में दिया है, तो आई थिंक सबके पास जोटा हो ही गया होगा। बाकी आप हयाटो हटा के कुछ और भी अच्छा स्किल रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों कंफर्म है। मैं आपको जोसफ भी रखने बोलता, लेकिन भाई जोसफ के तो अलग ही स्पीड हो जाते हैं, क्योंकि जोसफ को सिर्फ डैमेज पड़ने पे स्पीड भागता है, लेकिन वो जोन के डैमेज से स्पीड नहीं भागता है। तो भाई जोन के अंदर सब काम पूरा हो जाता है, और एक चीज़ के लिए भाई आप उसे नहीं रख सकते, क्योंकि आप रस नहीं मार, रस मारते समय आप उसको रखिए। और भाई आपको कुछ सेटिंग्स भी बदलने पड़ेंगे, आप जैसे सेटिंग रखते हैं वैसे रखिए, बस आप दो तीन जो सेटिंग है आपको सर्वाइव करने के लिए वो सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। और अगर आपका मोबाइल G70 G80 प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं तो आप अल्ट्रा में रख के खेल सकते हैं, वरना भाई अगर आप स्टैंडर्ड में रख के आपका अच्छा चलते तो अच्छा कीजिए, नहीं तो अगर स्मूथ में, क्योंकि भाई आपका बिल्कुल भी हैंग नहीं मारना चाहिए मोबाइल। तो भाई चलते हैं अब हम सेंसिटिविटी की ओर। तो भाई सेंसिटिविटी जो आपका बहुत अच्छा जमता हो, आपको जिसमें खेलना अच्छा जमता हो वही सेंसिटिविटी रखें, किसी और यूट्यूबर के बोलने से आप चेंज सेंसिटिविटी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सर्वाइव करेंगे तो भाई सेंसिटिविटी आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, और नए सेंसिटिविटी में आप खेल भी नहीं पाएंगे। और हम चलते हैं कंट्रोल सेटिंग की ओर। तो कंट्रोल सेटिंग में आपको नीचे पे आएगा विजुअल इफेक्ट का ऑप्शन, तो भाई उसको आपको नो ब्लड में करना है। नो ब्लड में करने से आपको होगा यू, आप जोन के अंदर रहेंगे तो आपका जब ब्लड ब्लड हो जाता है, और अगर आप स्क्वाड में रहेंगे तो भाई किसी को मार नहीं पाता, ब्लड ही सामने आ जाता है, तो नो ब्लड करोगे तो भाई इसमें ब्लड नहीं आएगा, किसी भी तरीके का ब्लड नहीं दिखेगा और एकदम स्मूथ चलेगा। और फिर हम बढ़ते हैं भाई ऑटो पिकअप की ओर। तो भाई मैंने इसमें जिसको जिसको ऑन किया है आपको भी ऑन कर लेना है, और मैंने जो स्पेशल इक्विपमेंट को ऑफ करके रखा है उसमें भाई ड्रम व्रम आ जाता है अगर हम ड्रम के आसपास जाते हैं तो। और नीचे पे आपको ऑटो पिकअप स्पीड को फास्ट में रखना है, इससे होगा यू कि आप सब कुछ फास्ट फास्ट लूट कर पाएंगे। और भाई बात करें म्यूज़िक की, तो भाई म्यूज़िक अपने हिसाब से आप रखिए, मैं क्या बताऊँगा आपको म्यूज़िक। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें क्या रखना है। तो भाई स्कैनर तो कंपलसरी कि स्कैनर तो रखना ही है, इसमें आप ऊपर पे बाउंटी टोकन रख सकते हैं, बॉन्ड फायर रख सकते हैं या एयर ड्रॉप रख सकते हैं, ये आपकी सिलेक्शन है, आपको जो रखना रखिए, सर्वाइव में ये सब चलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मैच में आपको कैसे सर्वाइव करना है, कैसे सर्वाइव करके आप हीरोइक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैच को। तो चलिए भाई मैच चालू हो रहा है, और अब हम बात करते हैं कि हमें सोलो में खेलना चाहिए कि डियो में खेलना चाहिए या स्क्वाड में खेलना चाहिए। तो भाई मैं आपको सच बताऊं तो सबसे सिंपल तरीका है स्क्वाड में पहुंचने का, फिर डियो, और सबसे मुश्किल तरीका है भाई सोलो में पहुंचने का। सोलो में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। अगर आप स्क्वाड में खेलते हैं तो अगर आप मर भी जाते हैं तो आप अपने दूसरे प्लेयर को देख देख के आपका कम से कम रैंक गिरेगा नहीं, और अगर आप स्क्वाड खेल रहे तो भाई किसी अच्छे बंदे के साथ खेलिए कि अगर आप मर जाए तो भाई वो थोड़े आपके रैंक को संभाले, कुछ मतलब एक दो अच्छे बंदे भाई होने ही चाहिए, सब मतलब आप समझ सकते हैं कैसे टाइप के बंदे नहीं होने चाहिए। और भाई सबसे अच्छा मैप कौन सा है, कौन से मैप में हम रैंक अच्छे से पुश कर सकते हैं, तो भाई आप मानो या ना मानो कालाहारी मैप सबसे अच्छा है सर्वाइव के लिए, भाई वो सबसे अच्छा है। बाकी अगर कोई और मैप आ जाए तो उसमें भी आपको ऐसे ही सर्वाइव करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही पहले अगर आप आ जा रहे हैं मैप में, तो सबसे पहले भाई आप मैप को खोल लीजिए, और मैप को खोल के भाई आपको देखिए आपको जितने इतने एरिया जितने मैं अपने उंगली से दिखा रहा हूँ वो एरिया के आसपास नहीं कूदना, उधर भाई बहुत बंदे कूदते हैं।
हैं। अगर आपको कूदना है तो भाई इधर कूद जाइए या इधर कूद जाइए या आप इधर इधर इस आसपास इधर ही कहीं कूद सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करिए वो जगह कूदने की जहाँ पर कोई बंदा ना कूदे। और अगर एक बंदा एक दो बंदे कूद भी जाते हैं उधर, तो ये नहीं सीधे एक गन पकड़ा और जाकर लड़ना चालू कर दो। भाई रस नहीं मारना है आपको, कम से कम तो टॉप 20 टॉप 10 के अंदर आना ही है। तब तक भाई आप एकदम छुप के खेलो, अच्छे से लूट कर लो भाई, मतलब दौड़ दौड़ के भाग भाग के आपको एकदम अच्छे से आपके पास लूट होने चाहिए, तभी आप रस मारने जाओ। अगर आप पहले ही रस मारने जाओगे और गलती से भी बंदे का हेड पड़ गया तो भाई आप निपट जाओगे उधर ही पे और आपका रैंक बहुत ज़्यादा माइनस हो जाएगा। अगर आप डायमंड 4 डायमंड 3 ऐसे में होगे पहुँचोगे भाई, ये तब पता चलेगा जब उस लेवल में आप जब पहुँच जाएंगे तब। मेरी इस वीडियो को आपको याद आएगी ये वीडियो। तो भाई मैंने वीडियो को स्किप कर दिया, आपका भी बहुत टाइम जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर हूँ, देखिए भाई कितने दूर हूँ मैं। और आपको फर्स्ट जोन है भाई सर्वाइव करना है बहुत देर तक। आपका भाई ब्लड नहीं जाएगा, उतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके पास केली है और आलोक भी है जिसे आप मार के 21% स्पीड आप भाग सकते हैं। 6% केली भगती है, 15% अपना आलोक भगता है जब आप आलोक मारेंगे। तो आपको भाई उसके अंदर रह के ही पूरा लूट उट करते रहना, और आपको जहाँ भी पड़े हुए इलेनर मिले भाई उसे ले लेना। आई थिंक इलेना ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है आपके बैग में, और आपको लेवल 3 का भी भाई बैग ले लेना है। और आपको जो अच्छा गन चलाना है, जिसका गन का स्किन आपके पास अच्छा हो, जो गन का लॉन्ग रेंज के लिए और शॉर्ट रेंज के लिए वही गन आप प्रेफर करें, यह नहीं कि भाई अभी शॉर्ट गन सीख रहा हूँ तो शॉर्ट गन से मारूँ, ऐसा नहीं हो रहा है। और भाई मैं वीडियो को थोड़ी स्पीड कर देता हूँ कि आप देख पाए कि मैंने जोन से कैसे बाहर निकले, तो नहीं तो आप बोलोगे भाई कि जोन से बाहर निकले नहीं, ऐसे वीडियो काट के दिखा दिया। तो आप देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट जोन में कुछ उतना ज़्यादा ब्लड जाता नहीं और कोई आदमी सोच भी नहीं पाएगा कि आप जोन के अंदर सर्वाइव कर रहे हो। आपके जैसे मेरे को ऐसे बहुत कमी जन मिलते हैं कि जोन के अंदर ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। अगर आप ऐसे सर्वाइव करते हैं तो आपका रैंक बढ़ने का चांस बहुत हो जाता है। और आप जैसे कि देख सकते 14 जन ही बचे हैं। रैंक मैच में ऐसा नहीं होगा, रैंक मैच में जैसे टॉप 20 या 25 जन ऐसे ही बचे रहेंगे। तो आप सीधा आप जाइए सेकंड जोन है भाई, जोन के अंदर सर्वाइव नहीं करना है, सेकंड जोन है बहुत मुश्किल होता है, सेकंड जोन से बाहर निकल जाना फिर आप। और भाई अब मैं फर्स्ट जोन से निकल गया हूँ और आपको फिर फर्स्ट अब सेकंड जोन में आपको फिर जोन के अंदर नहीं जाना है। अब आपको भाई उससे बाहर ही रह के थोड़ा किल उल मार देना। अगर आपको ज़्यादा की केडी रखनी है, जैसे 2-3 की केडी रख के ही रुक जानी है, तो भाई आप जब 10 बंदे बचे रहेंगे तो थोड़ा रस मारना चालू कर देना। और भाई बच के जहाँ 3-4 बंदे एक ही साथ होंगे वहाँ पर बैठ के रस मत मारिए, क्योंकि आप 90% चांस हो जाता है कि आप ही मर जाएंगे। और देन आपको पता है कि आगे आपको क्या करना है। अगर आपका बोया हो जाता है मैच तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप टॉप 3 टॉप 2 में आके भाई मरिए, तो आपका रैंक मस्त आपको पुश होगा अगर आप 3-4 किल के साथ अगर ऐसे करते हैं तो। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई अनसब्सक्राइब हो जाएगा, एक ही बार सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और अगर आपको अभी भी कोई कंप्लेन है या आप मेरी वीडियो को डिसलाइक मार के जाने वाले, तो भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप डिसलाइक क्यों मार रहे हैं, ताकि मैं अपने वीडियो को और इंप्रूव कर सकूं, क्योंकि भाई मेरी वीडियो में कुछ कमी होगी इसलिए आप मुझे डिसलाइक मार रहे हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।